चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। जब उस टाइम मैं काम चालू करने गया उस टाइम 150 रुपये की दिहाड़ी थी, अब जो है 500 रुपये की मजदूरी हो रही। मजदूर की 70-80 रुपये की थी, अब जो है मजदूर की दिहाड़ी 300 रुपये है और 8-9 घंटे काम करना पड़ा। लेकिन मजदूर ये है, अपना बेचारा मजबूर है, अपनी मजदूरी के लिए आता है। और बहुत सी जगह ऐसा हो जाता है, काम करता है मजदूर, उसकी वक्त पर बेचारे की दिहाड़ी नहीं मिलती। कभी तो ईंट महंगी हो जाए, मालिक उस पर काम बंद कराते हैं। कभी जमुना चढ़ गई तो रेते की दिक्कत बन जाती है, कभी सरिये पर रेट चढ़ जाते हैं। महीने में मिल जाता है कोई 20-22 दिन का। ये पूरा साल भर चलता है या रुकता भी है? बस उसमें रुक जाता है, बरसात में दिक्कत बनती है काम की। पूरी करते हैं। और किस तरह की फावले गारे की मिट्टी के चिने के पीछे ये कम से कम होगा वो 3-4 साल के करीब लग रहे हैं। देखो काम तो सब भी मेहनत का है, मेहनत तो हर चीज़ में मेहनत है, बगैर मेहनत तो कुछ भी नहीं होता। दोनों मजदूर राजमिस्त्री तो एक ही होता है, इससे बगैर तो राज नहीं चल सकता, मिस्त्री के बगैर मजदूर नहीं चल सकता कहीं आगे। ये दोनों नहीं रहेगा तो फिर कुछ भी नहीं है। फिर व्यवहार तो मजदूर के साथ तो सही रहता है, कोई ज़्यादा इतना गेड़ा नहीं होता, सही ठीक ठाक रहता है। और मजदूर का तो नहीं होता है, इसके ठेकेदार के नीचे काम करेगा ना भाई, अभी तो है नहीं, कल को परसों को आएगा मेरा इधर का टैंगर बनता, पैसा मिलेगा जब तुम्हारे पास देगा मेरे से। अभी तनख्वाह तो हमारी 350 रुपये की है, मजदूरी हम 350 में के बच्चों को क्या पढ़ा सकते, किसी भी तो ब्याज पे लेना पड़ता है। ये अपना घर के लिए ब्याज शादी के, किसी भी तो कोई 10 का सैकड़ा देगा, कोई 5 का, इतने हिसाब अपना सेंसमेंट करके तो करना पड़ता है ना। नहीं इधर कोई यूनियन नहीं है, बगैर यूनियन चलता है यहाँ का। तो कभी मजदूरी बढ़ाने की बात होती नहीं? नहीं, कुछ दिन नहीं बढ़ती है तो सब जो इसी नहीं रहता है और कुछ नहीं है। जब ऐसी बात होगी तो फिर कोई रोकता है, जब मजदूरी देर बनेंगे तो फिर जाना तो पड़ेगा, कोई साथ में खड़ा तो होना पड़ेगा। फिर ये
हमने खुद को बता दिया हम जो काम करें कितना मुश्किल है। सर्दियों में काम करना, गर्मियों में काम करना, जी पैड पर चढ़ना, गिर जाना, ये हमें खुद को है जी, बस कर रहे मजबूरी में, और क्या करें। इसमें कोई किसी का किसी सहायता नहीं, बच्चों के लिए भी अपने अपने से बेहतर सोच रहा जी, मेरे बच्चे ना मजदूरी करें, वो कामयाब हो गए। बस जिनके लिए मेहनत कर रहा जी, मैं बच्चे स्कूल में पढ़ा रहा, सोच रहा जी अभी तो छोटे स्कूल में पढ़ा रहा, और बड़े स्कूल में पढ़ाऊँ अच्छा। हाँ ये सपना तो है पर क्या करें, सपने पूरे नहीं होते। मुझे भी इतनी मेहनत करता है यार आदमी, आगे अपने घर पे लौटता है फिर देखता है कि ना बताओ कितने काम कारोबार अच्छे हम करवाते हैं, लोगों के मकान बनाते हैं, और हमारे पे ऐसा क्या घर है, हमारा क्या अब तक कब जाकर सुधार आएगा, किस तरीके से होगा।